मुकेश मल्होत्रा बोले, मैंने पूर्व में कोई बीजेपी की सदस्यता नहीं ली। कांग्रेस हमारी पार्टी, हम विजयपुर विधानसभा 25,000 से जीतेंगे। खबर कराहल से है, जहां आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले मुकेश मल्होत्रा अब लोकसभा चुनाव की रणभूमि में कांग्रेस की तरफ से युद्ध करने के लिए रथ पर सवार हो गए हैं। आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा अभी कराहल सरपंचों संघ के अध्यक्ष हैं और विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने वजूद का एहसास सभी दलों को करा भी चुके हैं। मुरैना में कांग्रेस की सदस्यता लेने के दौरान भी मल्होत्रा ने विपक्षी दल को खूब आड़े हाथों लिया और कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल उर्फ नीटू सिकरवार के पक्ष में हजारों वोट दिलाने की बात कही थी। बीजेपी में शामिल होने के प्रश्न पर मुकेश मल्होत्रा बोले कि मैं कराहल धर्मशाला में विगत 17 मार्च को हुए बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी के कार्यक्रम में सिर्फ कुछ निजी संबंधों के नाते वहां गया था, मगर उन्होंने मेरे गले में बीजेपी की सौंफी डाल दी। मैंने कोई रसीद कटवाकर सदस्यता नहीं ली है। मेरी विचारधारा है सिर्फ कांग्रेसी है। हमारे आदिवासी समाज हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, क्योंकि कांग्रेस हम गरीबों के हित के बारे में हमेशा से सोचती है। कांग्रेस विधायक की पार्टी छोड़ जाने के प्रश्न पर मल्होत्रा बोली कि वो गए तो क्या हुआ, हम तो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कद्दावर है। उनके कांग्रेस छोड़ के चले जाने के बाद हम और भी अधिक वोटों से जीतेंगे। सुनिए और क्या बोले मुकेश मल्होत्रा। करहल से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुकेश जी, अभी आप 2 माह पहले भाजपा ज्वाइन आपने की थी, अभी अचानक आप भाजपा से त्याग पत्र देकर कांग्रेस में कल शामिल हो गए, क्या वजह रही? मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की थी, मैं तो ऐसे ही गया था। कार्यक्रम में कुछ अपने पर्सनल व्यवहार थे, लोगों ने तो मेरे को बुलाया था वहाँ पर, तो मैं चला गया। उनने गया तो उनने क्या वहाँ पर डाल दिया, सभी डाल दी उनने। अच्छा, उन्होंने आपने बिना सदस्यता नहीं ली? मैंने कोई, मेरे पास कोई सदस्यता, कोई रसीद नहीं है। अच्छा, उन्होंने मतलब गमछा डाल दिया बीजेपी वाला, उसको लोगों ने सदस्यता मान ली। आपका जाना कहीं ना कहीं, लोग कह रहे हैं कि रामनिवास जी का कांग्रेस छोड़ गए, इसलिए मुकेश मल्होत्रा जी को अपना भविष्य कांग्रेस में दिख रहा है, इसलिए वो कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ज्वाइन कर ली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य वगैरह मतलब ये तो पार्टी का वो है, विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए हमेशा से ही काम करती आई है, चाहे वो जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, आदिवासी भूमिहीनों का मुद्दा हो, पट्टे कांग्रेस ने दिए थे, तो इसकी विचारधारा आदिवासी के हित में है कांग्रेस की। तो बीजेपी की विचारधारा जो नीति है वो आदिवासी दलित किसान मजदूर विरोधी विचारधारा है, इसलिए मैं वहाँ मेरे विचार नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आपने अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक इतिहास भी यहाँ पे बनाया था कि आपने 44,000 से ज़्यादा वोट लिए, तो अभी क्या नीटू सिकरवार के पक्ष में कितना मतदान आप करा देंगे अपनी तरफ से? आदरणीय नीटू सिकरवार जी के पक्ष में हम अधिक से अधिक मतदान कराएंगे और कोशिश ये रहेगी हमारी कि विजयपुर विधानसभा से कम उनको हम ज़्यादा नहीं तो 25,000-30,000 वोट से आगे जिता के पहुँचाएंगे। तो विजयपुर से मतलब सोपुर से भी अलग भारी वोटों से जीतेंगे। मतलब रामनिवास जी के चले जाने से कांग्रेस जो छोड़ गए हैं, तो क्या नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो हम लोग आ गए आदिवासी लोग, इसमें वोट करेंगे सब लोग। कांग्रेस वोट रहा है हमारा तो परंपरागत आदिवासियों का, तो कांग्रेस वोट करेंगे हम। आपका समाज कांग्रेस के साथ जाएगा? कांग्रेस के साथ जाएगा, जो हमसे जुड़ा है कार्यकर्ता और जो समाज भी है। जो आप संसाधन नीतू सिकरवार जी के पास कम है, कमजोर है, क्या मानते हो जीत हो पाएगी? जीत पक्की है नीतू भैया की, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ता लगे हैं पूरे फील्ड में, चारों तरफ घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार चल रहा है जोरों से। अभी परसों क्या कार्यक्रम है कराल में? परसों हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी आ रहे हैं और शायद उनके संग में नेता प्रतिपक्ष है वरिष्ठ नेता उमंग सिंह हारजी, वो भी पधार रहे हैं। कल की आपकी प्रियंका गांधी की रैली जो हुई थी, उसमें क्या आलम था, क्या लगा आपको, क्या लहर थी? उसमें लहर ही थी भारी, बहुत जनसंख्या थी, कम से कम 1.5 लाख लोग थे वहाँ पर कार्यक्रम में, और वहाँ पूरे सभी जो पब्लिक थी उसमें सब में जोश था। और प्रियंका गांधी जी का बहुत अच्छा भाषण रहा गरीबों के लिए, उन्होंने जो घोषणा की है हर जो गरीब परिवार है उसके लिए 8,000 रुपये प्रति महीना कांग्रेस की सरकार बनते ही दिए जाएंगे, सालाना 1,00,000 रुपये हर परिवार को मिलेंगे, ऐसी उनकी घोषणा है और कई घोषणा करी है। मुकेश जी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़े को बात एक अलग थी कि आदिवासी चलो नाराज थे उस वक्त, टिकट कट गया था सीताराम जी का, लेकिन अब लोकसभा में वो टिकट वोट दिला नहीं पाएंगे, वोट लेना और देने दिलाने में बड़ा फर्क है, क्या ऐसी कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, सब वोट देंगे, वो तो वैसे ही आदिवासी हमारा कांग्रेस को वोट देता है, तो हमारे उस समय क्या बीजेपी ने टिकट दे दिया था आदिवासी सीताराम भाई को, तो इसलिए बीजेपी के साथ चले गए, नहीं कांग्रेस का वोट रहा है ये तो।
तो नीतीश अग्रवाल अब जीत के लिए आश्वस्त है, यानी आपके साने से उन्हें कोई अब नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं है और लाखों वोटों से जीतेंगे। कद्दावर नेताओं के चले जाने से कोई परेशानी होने नहीं आने वाली? परेशानी नहीं आने वाली, बहुत कद्दावर है, हर कार्यकर्ता कद्दावर है इसमें, कांग्रेस पार्टी में गाँव गाँव में कद्दावर नेता बैठे हैं सभी लोग। तो जो बीजेपी की जो अन्य योजना चल रही है उनसे क्या फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जो सरकार रहेगी और जो उसमें संविधान में है वो सबको उनका हक अधिकार है वो मिलेगा।